दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मेरा प्यार है नमस्कार। तो मैं निधि आ गई हूँ फिर से नया ब्लॉग लेके। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 8 बजे से। तो आप सभी को पता होगा आज है घी त्यौहार, मतलब घी संक्रांति। तो आज के दिन ऐसा होता है ना कि हमको घी सर में चढ़ाते हैं हम। तो आज बनते पूरी पकौड़ी और मैं आपको सब दिखाऊँगी। तो अभी मेरे को नहाना है, उससे पहले मैं रौनक को नहलाऊँगी। तो आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, कोहरा लगा है हल्का हल्का। तो रौनक को नहला के मैंने भी नहा लिया है और अभी मैंने अंदर पोछा वगैरह लगा दिया और अभी मैं आटा गूंथूंगी। आज कई सारे पकवान बनते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी आज क्या क्या बनता है, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों अभी मैं आटा गूंथती हूँ फटाफट से। आज हम नमकीन वाले बना रहे हैं तो उसमें मैंने नमक और वो क्या बोलते हैं अजवाइन मिला दिया है। त्यौहार के दिन गांव में एक अलग ही वो होता है, सो मतलब होता है ना नहाने में पूरी वगैरह बनाने में बिजी रहते हैं, तो त्यौहार के दिन अच्छा लगता है। दोस्तों आटा तो गूंथ लिया, अभी करूंगी मैं कुछ शाम को। तो दोस्तों अभी मैं भिजूंगी मांस सिलबट्टे में, जिसके आज हम बनाएंगे बड़े मतलब पकौड़ी। तो मैं पीसती हूँ तो आप देखो। मम्मी पूरी बना रही है और मैं काट रही हूँ प्याज आलू पकौड़ी के लिए। क्यों लगी ना तो जल्दी। तो दोस्तों मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, इसके मम्मी बनाएंगे पूरी मांस के। अभी बना रही है मांस की पूरियाँ। तो मम्मी बना रही है पूरी। तो दोस्तों मम्मी बना रहे हैं मांस के बड़े, देखो आप।
पकौड़ी तो दोस्तों हम बना रहे हैं पकौड़े प्याज और आलू की। हमने पहले वो मांस वाले बड़ी बना दिए, अभी ये वाले हैं। पूरी तो मम्मी ने बनाया आज। तो दोस्तों आज कई सारे पकवान बनाए जाते हैं, तो हमने बनाए हैं पूरी और रायता और है साथ में दही, वो ताई जी ने दी है, और खीर भी आई है हमारे यहाँ, और पकौड़ी और चाची लोग के यहाँ से आई है लापिस और पूरियाँ। और पूरियाँ हमने मास्क की भी बनाई है और आधी सिंपल पूरियाँ है। तो ये है पकौड़े, तो आप करते हैं नाश्ता। ये रहा हमारा, ये बनाए हमने वो मास्क के बड़े। ये है मास्क के बड़े और पूरियाँ मम्मी ने ही बनाई हैं आज। तो ये रहा हमारा आज का नाश्ता, अभी हम करते हैं नाश्ता। आज बट्टी लागो भादो मेह लाग गई, खुटा तो देखा तो ना आज में भादो मेह लाग गई। और क्या कोने आज बड़ी बीज उठा गाड़ा में हमारे सब बीही सब आ जा, और जिसका सोना मेड़ हूँ सावला मेड़ आ जा हरियाव बटी उस हरियाव आस भदो बटी और ये मेड़ जात बटी भदो मेड़ आ जा और उसे ये हो जा सब। आज है घी संक्रांति, मैंने आपको बताया था, तो अभी मेरे को मम्मी घी लगा रहे हैं, तो आप देखो कैसे लगाते हैं पहाड़ों में। तो पहले लगाते हैं पैरों के नीचे तलवों में, हाथ कर और हाथों में, फिर सर में चढ़ाते हैं, दोस्तों हमको मम्मी ने घी लगा लिया है और मेरे को मम्मी ने इतना बड़ा टीका भी लगा लिया। तो घी संक्रांति जो होता है वो फसलों से और हमारे जो जानवर हैं उनसे रिलेटेड होता है। तो क्या कहते हैं, आज से ऐसा माना जाता है कि जो फसलें होती है हमारी उनमें आज से बालियां आने लगती है। तो अभी हमारा सावन का महीना चले गया, अभी आज से आ गया भादों का महीना। आज हर घर में घी चढ़ाया जाता है और घी खाया जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि जब घी जो नहीं लगाता तो वो अगले जन्म में गनेल होता है, तो इसलिए आप लोग भी घी खाएं और अपने जो मतलब छोटे बच्चों को भी लगाते हैं पैरों के नीचे और हाथों में, तो और सर में भी लगाते हैं। तो आज हर घर में घी खाया जाता है और मतलब दूध से बनी चीज़ें जैसे दही खीर वगैरह भी खाते हैं। तो अभी हम करते हैं नाश्ता, तब तक आप बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से, तो सुबह हमने नाश्ता वास्ता कर लिया था, उसके बाद हम ऐसे ही काम वगैरह करा, तो मेरे को ब्लॉग बनाने जितनी एनर्जी आई नहीं, क्योंकि त्यौहार के दिन ऐसे होते हैं ना सुबह से काम और ऑयली खा के अजीब सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल मिलते हो आपको नए वीडियो के साथ, तब तक बाय।